हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीनू एंड वेलकम टू लर्नर्स पाथ। तो कल हमने शुरू किया था बेसिकली इंजाइम्स के बारे में, तो आज हम बात करेंगे इंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, कि कैसे वो इंजाइम सबस्ट्रेट है जो कॉम्प्लेक्स बनता है और कैसे वो इंजाइम से प्रोडक्ट बनाता है और उसमें कौन कौन से मॉडल हैं जो यूज किए जाते हैं बेसिकली या फिर हम देखे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करेंगे आज इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसके नाम से पता चल रहा है कि इंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स। तो हमने बात की थी कि हमारे पास क्या है, जैसे इंजाइम्स हैं या हमारे पास कोई भी सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इंजाइम की हेल्प से कोई भी इंजाइम उस पर एक्ट कर रहा है साथ में और वो बना रहा है प्रोडक्ट। ये बात की थी हमने, ठीक है। अब इंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, हमने क्या बात की थी कि इंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, तो इंजाइम हमने कहा था बेसिकली क्या कर रहा है, जो गिव्स फ्री एनर्जी है या फिर उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उस एनर्जी अगर स्टार्टिंग में हमारे इंजाइम सब्सट्रेट की जो एनर्जी है यहाँ पर पहुंच रही है, बनता है हमारी जो इंजाइम से प्रोडक्ट हमारा जो बनता है उसमें जो एनर्जी है इतनी हाई अमाउंट की चाहिए, उसको बेसिकली क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को ये लो कर देता है, तो हमारी जो एनर्जी है यहाँ तक पॉसिबल है। कहा कि हाँ सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहे हैं और एक्टिवेशन एनर्जी जो इंजाइम है हमारी वो लो कर रहा है, ये जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है वो नहीं चेंज कर रहा, सिर्फ हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उसको लो कर रहा है, इसलिए क्या है ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सबस्ट्रेट है वो क्या बन सके, प्रोडक्ट की ओर जा सके, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज थी हमारी। तो अगर हमने कहा कि इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है, जैसे हमारे पास क्या है एक सबस्ट्रेट है उस पर क्या है इंजाइम ने एक्ट किया, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सबस्ट्रेट और इंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या बनेगी प्रोडक्ट। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बना है हमारे पास जो क्या है सबस्ट्रेट और इंजाइम का, ये बेसिकली क्या है इसमें कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बॉन्डिंग हो रही है, जो टेम्परेरी बॉन्डिंग है वो वेंडरवाल फोर्सेस हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग हो सकती है, ये किसी भी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, एक टाइप की हम कह सकते हैं कि वो टेम्परेरी उसके साथ बाउंड करता है इंजाइम के साथ सबस्ट्रेट, और उसके बाद क्या है हमारा प्रोडक्ट है जो वो फॉर्म होता है। अब हमने कह दिया कि इससे ये बन रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि इसमें हम दो मॉडल भी करेंगे कि कौन कौन से वो दो मॉडल है जो क्या कर रहे हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है वो है की एंड लॉक मॉडल। तो सबसे पहले हमारे पास की एंड लॉक मॉडल, इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे क्या है हमारे पास एक लॉक है, ठीक है, उसकी सिर्फ एक ही चाबी होती है, वैसे ही इसमें क्या है कि जो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इंजाइम है हमारे वो क्या है बहुत स्पेसिफिक है, ये हमने कल भी बात की थी कि ये नहीं है कि जैसे हमने कहा ना कि ये हमारे पास कोई भी की है, ठीक है, की लॉक है हमारे पास वन लॉक टू, अगर हमने कहा कि ये क्या है सिर्फ लॉक किसकी चाबी है वन की है, तो ये इसी से ही खुलेगा, ऐसे नहीं कि ये की है इस पे भी लग जाए है ना इस पे भी लग गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि इंजाइम बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए हमने कहा कि ये क्या है लॉक एंड की मॉडल है, की एंड लॉक मॉडल है, ओके। जैसे हमारे पास कोई देखते हैं इंजाइम की शेप कैसी है, जैसे ये की है हमारे पास कोई इंजाइम है, ठीक है, और ये है हमारे पास कोई सबस्ट्रेट। तो ये वाला पार्ट है जो इसमें पूरा जाके इसमें की, जैसे हम कहते हैं ना की हमारी की है वो लॉक में जाके अंदर उसके साथ लग जाती है, तो इसी हमारा ये इंजाइम इसके साथ लिंक हो जाएगा। कैसे अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा इंजाइम जो क्या था ऐसे आगे था, ठीक है, और ये हो गया हमारा जो सबस्ट्रेट है जिसके साथ आके उसके फिट हो जाएगा, ओके। इसे हमने कहा कि ये क्या है लॉक एंड की मॉडल है। एक तो ये मॉडल हो गया हमारे पास, दो है ना इसके मॉडल, सेकंड कौन सा है हमारे पास जो है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब क्या है, मतलब क्या है फिट हो रहा है उसमें जाके पूरा, कैसे जैसे हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज करो कोई स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये है हमारा इंजाइम, ओके। अब हमारा जो सबस्ट्रेट है
वो होना तो ऐसे चाहिए ये से, ठीक है, बट यहां से क्या है ऐसा है, ठीक है। हमने कहा था कि अगर लॉक एंड की मॉडल होता तो पूरा ऐसे बना होता कि इस पे जाके पूरा फिट हो जाए, बट ये ऐसा है। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारा क्या है ये एंजाइम है, ये उस पे जाके फिट हो जाएगा और उसे अपनी शेप चेंज करेगा, ठीक है। जैसे क्या होगा कि इसे हम कहते हैं कि इंड्यूस फिट, पहले जाके वहां पे चले जाओ। अगर हम कह दें कि बहुत सारा, सपोज करो हम किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या है टू की सीट है, अब हमने क्या किया कि थोड़ा सा बिठा लो, थर्ड वाला बैठ गया और फिर क्या है वहां पे जाके फिट हो जाता है ना, आगे आगे उसको कर देता है। तो ये बिल्कुल सिमिलर कह सकते हैं कि ये क्या है इंड्यूस फिट मॉडल है, ठीक है। इसको हम बनाए हम, तो ये हो गया हमारा इस टाइप का, ओके, जो ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना, अगर हमने पूरा ऐसे अच्छे से बनाना हो तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये पूरा इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारे पास दो मॉडल हो गए, एक तो लॉक एंड की और दूसरा इंड्यूस्ड मॉडल। तो ये बन गए हमारे एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, जो कैसे बनते हैं हमें पता चल गया, और इससे हमारे आगे क्या होंगे प्रोडक्ट है दोनों के इवॉल्व हो जाएंगे, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब है नेक्स्ट हमारा जो कैटालिटिक एक्टिविटी है एंजाइम की। हमने कहा ठीक है कि एंजाइम है और जो सबस्ट्रेट से जाके क्या करता है बाइंड कर देता है। अब ये तो नहीं है कि हर बार जैसे क्या होगा, सपोज करो जैसे हमने कुछ रिएक्शन में करते हैं, जैसे कोई होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को मतलब देने होते हैं डोनेट करने होते हैं, कुछ हो सकते हैं हमारे पास क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। कुछ तो एंजाइम तक ऐसे काम करेंगे कि वहां पे क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन या तो उसे ले लेंगे मतलब टेम्परेरी, या मतलब उसे स्पेस ऐसे बना लेगी कि क्या हमारा आगे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। कुछ तो हमारी कैटालिटिक एक्टिविटी ऐसे हो सकती है, और कुछ हो सकते हैं कि जो मेटल आयन से हो, मेटल आयन से मतलब क्या है हमारा उस एंजाइम के लिए वो मेटल जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना समटाइम्स क्या होता है कि हम ऐसे कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, सपोज सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पे एंजाइम का नाम होता है, साथ में लिखा होता है मैग्नीशियम कैल्शियम या फिर मैंगनीज, कुछ भी लिखा होगा ऐसे, ठीक है। इट मींस क्या है कैल्शियम है ना, मैंगनीज और ये मैग्नीशियम है, सोडियम है, ठीक है। जैसे हमारा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना तो कोई भी उसमें मेटल आयन वर्क करे तो उस एंजाइम के लिए क्या है वो मेटल आयन जरूरी है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, मतलब उसके लिए वो जरूरी है कि वो अगर हमारे पास सपोज करो कोई एंजाइम है, इट मीन्स अगर उसमें क्या हुआ वो अगर इनएक्टिव है तो सब एंजाइम्स में क्या है मतलब उसमें चाहिए मेटल आयन, कोई भी मेटल आयन उसमें प्रेजेंट होगा तब भी वो एंजाइम क्या करेगा अपना फंक्शन करेगा, अपना कैटालिटिक जो काम है वो परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। तो कुछ डिपेंड करेंगे मेटल आयन पे, कुछ होते हैं जैसे हमने कहा कि ये न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक है, इसमें क्या हुआ हमारे जो कोवलेंट है इंटरेक्शन, बेसिकली यहाँ पे क्या है कोवलेंट लिंक इंटरेक्शन है। हमने कहा था ना कि हम वो एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या करेगा, अगर हमारे पास जैसे कोई एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, अब ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, हमने कहा ये बॉन्ड तो क्या है टेम्परेरी बना है, हो सकता है ये कोवलेंट बॉन्ड से बनाओ कुछ न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ वैसे तो टेम्परेरी उस पोजिशन पे जाके लग जाएगा, और जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा जैसे ही हमारा प्रोडक्ट आएगा ये क्या हो जाएगा वहां से क्या हो जाएगा जो एंजाइम है बाहर निकल जाएगा, खुद में कुछ चेंज नहीं करेगा और हमारा जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा जैसे कोवलेंट लिंक है, मेटलाइन लिंक है। थर्ड है जैसे हमारे पास कोई एसिड बेस लिंक हो, एसिड बेसिक कैटालिसिस। ये कैटालिसिस कैसी हुई, इसमें क्या हुआ एसिड बेस का मतलब क्या है, या तो होगा वो वहां पे प्रोटोन है जो वो डोनर होगा या फिर एक्सेप्टर होगा। जैसे हमारे पास कोई भी एंजाइम है, ठीक है, और सबस्ट्रेट है, एंजाइम ने क्या किया उसने उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या है, या तो क्या है अगर उसको इलेक्ट्रॉन जरूरत है तो वो क्या करेगा उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर देगा ताकि हमारे इजिली क्या है प्रोडक्ट है बन पाए। हो सकता है उसके उससे क्या है कुछ जो हमारे प्रोटोन है उसे ले ले, ठीक है, या फिर उसे प्रोटोन एच है जो वो दे दे जिससे क्या है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी इजी हो और उसकी जो एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी है बेसिकली सॉरी जो सब्सट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी पहले हाई है वो क्या हो जाए कम हो जाए और प्रोडक्ट है क्या वो जो इजिली फॉर्म हो जाए, ठीक है। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटी में काम करती है, एक तो कोवलेंट
जो बॉन्ड बनाते हैं टेम्परिंग कह रहे हैं, ठीक है, एक मेटल लाइन है, ये आयन मेटल लाइन की जरूरत है उसकी एक्टिविटी के लिए, या फिर क्या है एसिड बेसिक कैटालिसिस है। ओके, तो अब हम चलते हैं इसकी यूनिट्स पे कि कौन सी यूनिट है एंजाइम की। तो अब हम बात करेंगे इसकी एंजाइम एक्टिविटी की। वैसे तो हमने पहले भी कैटालिटिक एक्टिविटी देखी, अब हम देखेंगे कि हमें कितना जो एंजाइम है उसकी अमाउंट कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहले जैसे हम एंजाइम यूनिट करें, ठीक है, इसे यू से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या है बेसिकली, जो हमारा एंजाइम है उसकी हमें कितना एंजाइम चाहिए कि वो कैटालाइज कर सके, मतलब उस रिएक्शन को कर सके। जो क्या है, सबस्ट्रेट है हमारे पास 1 माइक्रोमोल, ठीक है, और उसमें टाइम कितना लगे, 1 मिनट। टाइम हमें दिया हुआ है मिनट में, 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में कितना माइक्रोमोल वो सबस्ट्रेट का कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट होगी 1 माइक्रोमोल पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैट। कैट हम बोलते हैं इसे केटी से डिनोट करके, जैसे सी यू से डिनोट करके। अब इसमें क्या है, इसमें हमने कहा था कि कितना एंजाइम उसकी अमाउंट रिक्वायर्ड है कि वो कितने सबस्ट्रेट को कैटालाइज कर सके, मतलब उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। अब इसमें क्या है हमारे पास कि हमारे पास कितने ऐसे एंजाइम की क्वांटिटी जो होगी, जो क्या है सबस्ट्रेट है हमारे पास 1 मोल, ठीक है, को कर सके कितने टाइम में। टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 1 सेकेंड। ओके, तो यूनिट होगी हमारी क्या होगी, 1 मोल पर सेकेंड। अब अगर हमें क्या है इसको यूनिट को कैट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। 1 यूनिट क्या है 16.67 नैनो कैटल क्यूब इक्वल है, नैनो है, नैनो का मतलब सबको पता है नैनो के पावर -9। तो 1 यूनिट को अगर हमने इस यूनिट को इसमें कन्वर्ट करना हो जो हमारी SI यूनिट है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 16.67 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ठीक है, ये क्लियर है। तो आज का जो हमारा बेसिक जो क्वेश्चन था, जो भी हमने किया आज के टॉपिक में, वो क्या था, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के बारे में था। ओके, एंजाइम सब्सट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनता है, ठीक है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसे लो होती है, कौन से मॉडल है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, ये चीजें हमने की। और हमने देखा कि एंजाइम को कैटालिटिक एक्टिविटी करने के लिए क्या जरूरी है, मतलब एंजाइम क्या है, सब्सट्रेट के साथ है तो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, हो सकता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, या हो सकता है कि वो प्रोटॉन डोनेट करे, एक्सेप्ट करे, ऐसा केस हो सकता है, या फिर किसी मेटल आयन के साथ बाइंड करे। ठीक है, ये सब देखने के बाद हमने देखा कि उसकी यूनिट क्या है, एंजाइम यूनिट यू वाली और जो कैटल है। और मैं होप करती हूँ कि आपसे लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा उसे दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।